डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन जो है, अगर आप उसको दाने के साथ में हरा चारा देते हो, अगर दे रहे हो, तो उसको 11-12% DCP की आवश्यकता होती है। अगर आप उसको हरा चारा नहीं दे रहे हो तो 16-18% डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता होगी। क्यों होगी? क्योंकि हरे चारे में डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पशु का आहार जो है ना, वो अगर उसके वजन के हिसाब से अगर कम ज़्यादा करते हो आप, तो वो उसके लिए हानिकारक है। ठीक है, ये आपको ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं कि पशु आहार उसके वजन के हिसाब से कम ज़्यादा करने से हानिकारक नहीं होता है, तो ये ट्रू है फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि ये हानिकारक होता है। आहार को खिलाने से पहले, पशु को जो आहार आप खिलाते हो उससे पहले ठाण को, जिसको नांद बोलते हैं या मेंजर बोलते हैं, उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। रसन को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें मोलासेस या गुड़ मिला लेना चाहिए। अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए, ये मैंने आपको जब एडिटिव बताया था ना, तो उसमें मैंने बताया था मीठा करना, स्वीटनिंग एजेंट। दुधारू गायों के दाने में 15-17% DCP और 70% TDN होना चाहिए। ये आपको ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे। जो अपरिपक्व सूडान घास होती है ना, जो पूरी पक्की नहीं है, अपरिपक्व सूडान घास है, ज्वार जो है, वो हरा चारा पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। जो अपरिपक्व होते हैं वो नहीं खिलाना चाहिए, पकने के बाद खिलाना चाहिए। क्योंकि अपरिपक्व जो होता है उसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है, HCN होता है, और उससे फिर क्या है, पशुओं में टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये भी आपको याद करना है, प्रत्येक दूध देने वाली तथा गर्भित पशु को, मतलब जो गाय दूध भी दे रही है और गर्भित है, दोनों बातें, जैसे वो प्रेग्नेंट भी है, दूध भी दे रही है, तो उसको 2-5 किलो हरा चारा अवश्य देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? जिससे उसका हाजमा सही रहे, उसको कब्जी नहीं हो। दुधारू गाय को 2.5 kg शुष्क चारा और भैंस को 3 kg शुष्क चारा प्रति 100 किलो शारीरिक भार पर दिया जाना आवश्यक है। ये आपको फार्मूला है, ये शुष्क पदार्थ देने का गाय को और भैंस को। तो इसको याद करना है कि 2.5 kg शुष्क चारा पर 100 kg बॉडी वेट गाय को देते हैं और 3 kg शुष्क चारा प्रति 100 kg बॉडी वेट भैंस को देते हैं। दाना आवश्यक मात्रा में विभिन्न प्रजाति के पशुओं को उनकी खुराक के अनुसार कैसे देते हैं, ये एक चार्ट में दिया हुआ है। ये चार्ट भी आपको याद करना है, 169 नंबर पेज पे, जो वर्तमान पशु का मतलब है ग्रोइंग एनिमल, जो एनिमल ग्रोथ कर रहा है उसको 2-3 kg कंसनट्रेट पर डे पर एडल्ट एनिमल देना चाहिए। और अगर जो गर्भित पशु, उसको 1-2 kg दाना पर डे पर एडल्ट एनिमल। प्रजनन हेतु सांड को देते हैं 1-2 kg दाना पर डे पर एनिमल पर एडल्ट एनिमल। भारवाहक बेल, बेल जो बाहर्ड होता है, उसको 1.5-2 kg दाना जो है प्रतिदिन उसको देना चाहिए। ये चार्ट याद करना। उसके बाद में एक निर्वा और दुग्ध प्रदन, मतलब गाय जो दूध दे रही है उसके लिए भी दिया हुआ, गाय के लिए मेंटेनेंस के लिए कितना है, उसके दूध उत्पादन के लिए कितना है, ऐसे ही मतलब क्या है, ये प्रजनन हेतु भैंसा सांड जो है उसके लिए भी चार्ट दिया हुआ है, उसको कितने बॉडी वेट पे कितना कितना, मतलब कि उसको कैल्शियम, फास्फोरस, TDN, DCP की आवश्यकता होती है। और ये सारे चार्ट जो है पेज नंबर 160 और 161 पे जो चार्ट है, उसमें मेन मेन चीज़ें हैं वो याद कर लेना, क्योंकि इसमें एग्जाम में कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, मेन मेन चीज़ें। तो ये चार्ट तो आपको याद करना पड़ेगा, इसको बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसको चार्ट को ढंग से देख लेना। आज का चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।